आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। हमारा क्वेश्चन है कि कोई एक ट्यूनिंग फोक है जिसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी 800 हर्ट्ज है, उससे हमने वाइब्रेशन प्रोड्यूस किए, ठीक है, वो स्टैंडिंग वेव एक प्रोड्यूस करी उससे किसी स्ट्रिंग में जो कि बहुत दौरान उस पर क्लैम्प्ड है, ठीक है, और वेव स्पीड हमें पता है, वो हमें दिए 400 मीटर पर सेकेंड उस स्ट्रिंग की, ठीक है, और उस टेंशन के लिए, ठीक है। अब क्या है, और जो स्टैंडिंग वेव में जो वाइब्रेशन हो रहे हैं उसके लिए हमें 4 एंटीनोड्स मिल रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है, हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रिंग। तो पहले तो हम समझते हैं कि 4 एंटीनोड मिलने का मतलब क्या है, कि मान लो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है और ये हमारी बेसिक मेन पोजिशन है स्ट्रिंग की। तो 4 एंटीनोड के मैक्सिमम वैल्यू 4 टाइम्स आ रही है, यानी 2 कंप्लीट उसमें हमारे वाइब्रेशन हो रहे हैं, यानी एक ऐसे जाएगी वेव, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है, ये स्टैंडिंग वेव इस तरीके से बनेगी हमारी, ठीक है। और ये जो 4 है हमारे वो एंटीनोड्स जो मैक्स वैल्यू हमारी, यानी कि लेमडा की वैल्यू क्या हुई, L/2, ठीक है, एल इसकी टोटल लेंथ और लेमडा इक्वल टू L/2 ये हमें मिल गया। तो कुल मिला के लेंथ अगर हमें निकालनी है तो एल इक्वल टू 2 लेमडा, तो अगर हम 2 लेमडा की वैल्यू निकाल दें तो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की हमारी F=800 हर्ट्ज, ठीक है, और फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के लिए लेमडा इक्वल टू 2L होता है और V हमें दी गई है। तो हम इसमें पहले निकालेंगे कि ये कौन से हार्मोनिक में अपने, ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ एंटीनोड्स दिए हुए हैं यही हमारा होता है हार्मोनिक, क्योंकि फंडामेंटल में क्या होता है हमारा, ये मान लो स्ट्रिंग है एक और इसकी बेसिक पोजीशन है, तो इस तरीके से बनती है बस एक पोजीशन, ये फंडामेंटल है। इसमें क्या है, ये पोजीशन बननी 4 बार, ठीक है, यानी कि 4th हार्मोनिक है। इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी हमारी, F=NF, एन की वैल्यू यहाँ पे 4, तो 4 × 800 हर्ट्ज, ये हमारे केस में फ्रिक्वेंसी 3200 हर्ट्ज, ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी हम यूज करेंगे और इसका यूज करके हम लेमडा की वैल्यू निकालेंगे और 2 लेमडा से एल की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा ये फोर्थ हार्मोनिक है, फोर्थ हार्मोनिक में हमारा स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है। तो पहले तो हम लेमडा एफ लिखते हैं, लेमडा एफ इक्वल टू वी, ठीक है, यहाँ से लेमडा की वैल्यू आएगी, लेमडा इक्वल टू वी बाई एफ, वी की वैल्यू हमारी कितनी 400 और एफ की वैल्यू कितनी हमारी 3200, यानी कि 1/8, ये होगी हमारी लेमडा, 1/8 मीटर होगी हमारी लेमडा, और एल की वैल्यू क्या 2 लेमडा, तो लेंथ इज इक्वल टू 2 लेमडा, यानी कि 1/4 मीटर, 1/4 मीटर क्या होगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा था, हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग की लेंथ हमें मिल गई 25 सेंटीमीटर, ये हमारा इसमें फाइनल आंसर है।